तो दोस्तों YouTube की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट आया है न्यू यूट्यूबर्स के लिए, जिनके चैनल पे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और जिनकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होने वाला है ये। आज की इस वीडियो में यही सारी बातें हम करेंगे कि ये जो अपडेट है क्या है अपडेट और क्या बेनिफिट मिलने वाला है जितने भी हमारे नए यूट्यूबर्स हैं, और किस तरह से ये अपडेट उनको मोटिवेट करने वाला है और किस तरह से ये हेल्प करने वाला है उनके चैनल को ग्रो करने में। और ये अपडेट बहुत ही जरूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका, मेरा नाम राहुल राय है। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब अब सारे यूट्यूब की जो वीडियो है उसके डिसलाइक्स वाले बटन को हाइड कर देगा, यानी अब अगर आपकी वीडियो पे कोई डिसलाइक करता है तो वो चीज किसी यूजर को किसी व्यूअर्स को नहीं दिखेगा। यानी आपकी वीडियो पे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वीडियो है और उस पर डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो वो डिसलाइक्स अब किसी को नहीं दिखेगा, जो आपकी वीडियो देखेगा उसको नहीं दिखेगा। इस वजह से क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो वीडियो आपकी देख रहा है। इसके पहले क्या होता था कि कोई भी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उस पर डिसलाइक्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, बट इस अपडेट के बाद सारे डिसलाइक वाले जितने भी बटन हैं यूट्यूब की वीडियो से हाइड हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि यूट्यूब ने ऐसा डिसलाइक वाली जो बटन है उसको हाइड करने का निर्णय क्यों लिया और क्यों हाइड कर रहा है डिसलाइक की बटन को, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, यूट्यूब ने एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च में यूट्यूब के जो जितने क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक्स होते हैं, वो उनके अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है, यानी वो निगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कोई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बट जो इसके उल्टे क्या होता है कि जो वीडियो को देख रहा है उसके दिमाग में एक निगेटिविटी आती है कि आपकी वीडियो पे इतने ज़्यादा डिसलाइक्स हैं, मतलब ये कंटेंट अच्छा नहीं है, और वहाँ पे क्रिएटर्स की बुलिंग शुरू हो जाती थी, क्रिएटर्स को लोग भला बुरा कहना शुरू कर देते थे। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये अपडेट लाया है कि अब से जो है डिसलाइक का जो बटन है हम हाइड ही कर देंगे, किसी को दिखेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे नए क्रिएटर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे इस चीज़ से कि उनकी वीडियो का डिसलाइक नहीं दिख रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी तरह से कंटेंट क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली वो कंटेंट उस अप टू मार्क नहीं हो पाता है जो ऑडियंस देखना चाहते हैं, तो कोई गाली देता है, कोई कुछ कमेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि पेशेंस रख सके हो और इन सारी चीज़ों का सामना कर सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के यूट्यूब ने ये फैसला लिया है, ये अपडेट लाया है कि अब यूट्यूब की वीडियो में जितने भी डिसलाइक्स के बटन होंगे उसको हाइड कर देंगे। और अगर आप क्रिएटर हैं तो आप यूट्यूब की स्टूडियो में जाके देख सकते हैं कि आपकी वीडियो पे कितने डिसलाइक्स आए हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बट आपकी जो वीडियो देख रहा है वो नहीं देख सकता कि आपकी वीडियो पे कितने ज़्यादा डिसलाइक्स आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी खबर है यूट्यूब की तरफ से कि इस तरह के अपडेट से क्या है कि जितने भी नए क्रिएटर हैं उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा बेसिकली लोग, और उनकी वीडियो पे व्यूज़ भी आएगा, उनके चैनल भी ग्रो करेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर स्क्रॉल में आ रहा है, सजेशन में आ रहा है, बट वीडियो में क्या है डिसलाइक देख के लोग डिसलाइक काउंट ज़्यादा है, तो उससे भी लोगों को लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं होगा और उस वीडियो पे लोग क्लिक ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या है कि आपका CTR भी बढ़ने वाला है, यानी क्लिक थ्रू रेट भी आपकी वीडियो पे बढ़ेगी, आपकी वीडियो पे व्यूज़ भी बढ़ेगा, क्योंकि CTR बढ़ेगा तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ भी बढ़ेगा, जिससे आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होगा और आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होंगे। तो ये एक तरह से जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं, उनको आगे करने के लिए, उनके चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो उनका चैनल, तो ये इन सारी चीज़ों को देखते ही यूट्यूब ने ये फैसला लिया है। और ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप बताएं कमेंट करके कि ये अपडेट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने थॉट को जरूर मेरे वीडियो के कमेंट में बताएं। एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही थी, यही अपडेट आप लोगों को देना था।